कि कुछ भी करो लेकिन उसका अंत तो गत्वा रिजल्ट देखो कि क्या हुआ, क्या मनुष्य ने अपनी जिंदगी को सुखद, सहज, सरल, आनंदित किया, क्या औरों की जिंदगी को सुखद सहज कर पाया, कितने हमने अपनी जरूरतों को बढ़ाया और कितना आज हम सुखी हैं। पहले चिट्ठी आती थी, डाकिये का इंतजार होता था, फिल्मी गाने भी गाए जाते थे कि डाकिया आया, अपनों की इंतजार होती थी, तो मुंडेर पर कौआ बोलता था तो लोग कहते थे कि मेरी मुंडेर पे कागा बोले, मेरा मन डोले, कोई आने वाला है, और बार बार वो काँव काँव करता था तो स्त्रियां कहती थी तुम काँव काँव करके मेरे कानों को पीड़ा दे रहे हो, और ढेला उठा के फेंकती थी कि कोई आए ना आए तू तो जा यहाँ से। लेकिन किसी के आने का स्पंदन हृदय में, किसी चिट्ठी की प्रतीक्षा का रोमांच हृदय में, ये मेरे युग के लोगों ने जिया। और जो चिट्ठी होती है उस पर जब लिखा जाता है इतनी सुंदर वो भावनाएं होती हैं, और पुरानी चिट्ठियां निकाल निकाल के जब लोग पढ़ते हैं तो उन्हें वो चिट्ठियां अपनी निधि लगते थे। दुनिया तो तब भी चलती थी, और उस समय भारत ने इतने बड़े बड़े महापुरुषों को जन्म दिया, जिन्होंने सांख्य योग की रचना रची, जिन्होंने योग को प्रकट किया, सांख्य योग को प्रकट किया, इतना अद्भुत अद्भुत उन्होंने गहराइयां भी छुई और ऊंचाइयां। अगर आप समृद्धि की बात करो तो पहले देश इतना समृद्ध था कि यहाँ पर इतने जबरदस्त आक्रमण हुए वो भारत के समृद्धि के कारण, सोमनाथ का मंदिर लूटने लोग आए, और आज भी अभी पद्मनाभ मंदिर के जब खजाने खोले गए तो अकूत संपत्ति उसमें भरी हुई है। इसका मतलब भारत समृद्ध भी था पर भारत अंदर से शांत भी था। आप रात भर नृत्य कर सकते थे, रात भर गीत गा सकते थे, अपनों के बीच में अपने पन से भरे हुए अपने अंतर को तृप्त कर सकते थे, और ये होता था, और पूरा मोहल्ला एक परिवार होता था। अपना परिवार नहीं, पूरा मोहल्ला ही एक परिवार होता था। जो तरुण बच्चे होते थे वो घर गांव के किसी भी बुजुर्ग की आंखों की थोड़ी सी भी तरेर से अंदर से सजग हो जाते थे कि हमसे ऐसा आचरण ना हो जाए जिससे उनके अंदर रोष पैदा हो। इतना अपनापन कि पूरा गांव एक परिवार, इतनी नज़दीकियाँ कि मैंने अपने बचपन में देखा कि अगर किसी दूसरे पड़ोसी के किसी महिला को, बेटे को, बच्ची को चोट लग गई तो उसके परिवार को नहीं पता होता था, मोहल्ले वाले पहले ही उसको ले जाके उसका इलाज करवा चुके होते थे। इतना अपनापन, हम लोग समृद्ध थे अंदर से भी और बाहर से भी। मैं मोबाइल के विपक्ष में नहीं बोल रही हूँ या पक्ष में नहीं बोल रही हूँ। धर्म के 10 लक्षण होते हैं, एक लक्षण होता है धैर्य। अगर आपको किसी के प्रति रोष आए या प्रेम आए, अभी आप फटाफट क्या करते हो, फटाफट उसको उठाते हो, फटाफट उसमें लिख मारते हो, और बाद में हो सकता है पछताओ भी कि ये हमसे क्या हो गया, बड़ों की अवज्ञा हो गई या हमने फालतू अपने रोष को व्यक्त कर दिया। लेकिन अगर आपके पास ये साधन ना होता तो आप जब तक लिख के उसको संदेश देने की सोचते तब तक आपका आवेग शांत हो चुका होता, और आप उतने उत्तेजित भावनाएं वहां संप्रेषित ना कर पाते, और ना जरूरत से ज्यादा दिखावे वाला प्यार। निश्चित रूप से अब मोबाइल का ज्यादा भरोसा है, लेकिन रास्ते पे कहीं हमारे साथ कुछ गड़बड़ होगी, समाज आ जाएगा और अपनी बाहों और आलिंगन के घेरे में हमारी रक्षा करेगा, वो भरोसा चला गया। जहां मशीनें भरोसा जीत लेती हैं वहां मनुष्य भरोसा खो देता है। विचारणीय विषय है कि किसने जीता किसने हारा, विचारणीय विषय है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें दुनिया का एक्सपोजर चाहिए। आपकी आवश्यकताएं सीमित है, मैंने प्रारंभ किया था, साधन सीमित नहीं है, लेकिन जिसको आपने देख लिया वो आपकी आवश्यकता बन गया।
इसलिए बड़े बड़े व्यापार और बड़े बड़े जो ये बड़े बड़े लोग हैं, जो बहुत थोड़े लोग हैं जो पूरी दुनिया को गुलाम बनाए हैं, क्योंकि उस दुनिया के दिमाग को उन्होंने कैप्चर कर लिया है, वो उन्होंने इसके माध्यम से आपके दिमाग में आवश्यकताओं का अंबार पैदा कर दिया जो आपकी जरूरत नहीं था। आप उनके हाथ के खिलौने बन गए। एक दो दिन पहले एक डिबेट में शायद ऋषि कह रहे थे या कोई बच्चा कह रहा था कि आप तो शतरंज के मोहरे हो, आपको पता नहीं कहाँ से उठा के कहाँ धरा जा रहा है। तो आपके दिमाग को कैप्चर किया जा रहा है। कोई भी वैज्ञानिक जो उपलब्धि है वो अभिशाप तब बनती है जब व्यक्ति बोधपूर्ण दैविक बुद्धि का स्वामी नहीं होता। बोधपूर्ण दैविक बुद्धि, आप बुद्धिवान हैं इतने में मत प्रसन्न होइए। क्या आप सजग हैं? क्या आप बोधपूर्ण जीते हैं? क्या आपके पास दैवी संपदा है? और आज जिस तरह व्यक्ति वस्तु पदार्थ हमारे को अपना शिकार बनाता है, कैसे हम व्याकुल होते हैं, कैसे हम दूसरे की तरफ ज़्यादा देखते हैं, कैसे नेगेटिव। हमने अभी देखा कि हमने योग का प्रारंभ किया तो बालक जो है एक दूसरे को देख रहे हैं कि वो वाला आया कि नहीं, वो वाला आ रहा है कि नहीं। इससे पता चलता है कि कितनी नेगेटिविटी भरी है कि उसमें आप अपना हित नहीं देख रहे, आपकी नजरें किसी दूसरे की तरफ हैं। तो इस ये क्यों, ये किसके कारण आया? मैं ये नहीं कहती वो मोबाइल के कारण आया, वो कोई भी कारण हो सकते हैं। जरूरत से ज्यादा एक्सपोजर। अभी आप सब बच्चों को, अभी यूथ को लगता है कि जब सफल होंगे, जब सफल होंगे, जब सफल होंगे। एक 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 माँ कहती है मैं अपने बच्चे को बाई से पलवाऊंगी क्योंकि मेरे कैरियर का सवाल है, और वही बच्चा बड़ा होके अपने माँ बाप को कहता है मैं तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ूंगा क्योंकि मेरे कैरियर का सवाल है। हम सोच सकते हैं कि ऐसा मनुष्य, उसकी कल्पना हमने कभी की थी? नहीं की थी। जिस देश में श्रवण कुमार ने बहंगी में माता पिता को बैठा के यात्रा करवाने में ही अपनी जवानी की धन्यता समझी थी, उस देश में बच्चे सिर्फ मोबाइल, अपना कैरियर, अच्छी सी जॉब, बड़ा सा घर, बड़ा सा, बस इससे ज़्यादा सोच की उड़ान है ही नहीं। और मैं इसको पतन समझती हूँ मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य होता है अपनों के लिए, अपने लिए भी, सारी दुनिया को अपना बनाने के लिए भी। और अभी आप देख रहे थे कि एक बच्ची ने कहा, शायद किसने कहा कि सबसे ज़्यादा नुकसान पंछियों को हुआ क्योंकि बेव्स ने उनको, अभी ये चिरोटा चिड़िया जो होती थी अभी वो दिखाई नहीं देती, मेरे गुरुदेव ने सिजई में इतना उनको पाला नहीं। इसलिए जब अपने बारे में बात आए तो पहले अपनों के बारे में बात आनी चाहिए। और अपना तो पशु पक्षी जड़ जंगम सबका जिसने पूरा ध्यान रखा है, देश अवस्था काल पात्रक मानव कर्म विधान रचा है, ज्ञान भक्ति सत्कर्म समन्वित बहती जिसकी सुरसरी धारा, वही हमारा धर्म सनातन पावन हिंदू धर्म हमारा। इसलिए वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ सस्य श्यामला धरा है, वहाँ हवन कुंड से उठता हुआ धूम्र है, वहाँ पंछियों को एक कटोरे में भर के पानी पिलाने की त्वरा है, वहाँ प्यासों के लिए चिंतन करने के लिए कुआं बावड़ी खोदने का प्रयत्न है, और वहाँ चिंतन है कि अगर कुछ धन आया तो जरूर उनके मुंह में नवाला दूंगा जो भूखमरी से मरते हैं, क्योंकि दुनिया में 3 मिनट में एक मृत्यु हो जाती है। वहाँ ये चिंतन पैदा होता है जो मोबाइल की संस्कृति नहीं देती, वो वेद ग्रंथों की शरण से मिलता है कि आप नरसे नारायण हो जाओ और आप विराट हो जाओ। मैं किसी भी साधन का, अगर साधन का हम विरोध करते तो आपके हाथ में देते ही क्यों, लेकिन हाथ में दिया है तो आपके लिए, सिर्फ संवाद के लिए दिया है, वो आपकी विलासता, आपका एडिक्शन, आपकी रातों की नींद और आपका अपनापन और आपके परिवार के ताने बानों को छिन्न भिन्न करे तो वो स्वीकार नहीं है। और अति सर्वत्र वर्जयेत, ज्यादा जरूरत का अमृत भी जहर बन जाता है। इसीलिए बोधपूर्ण दैविक बुद्धि के साथ कुछ भी उपयोग करो, बहुत सुंदर है, तुम अच्छा ही करोगे।
उसका अच्छा उपयोग करोगे, अच्छा उपयोग करो, उसके लिए संस्कार अर्जित करो, परमानंद गोत्र को सार्थक करो। परमानंद गोत्र ईर्ष्या के लिए नहीं है, द्वेष के लिए नहीं है, प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं है, हताशा के लिए नहीं है, विषाद के लिए नहीं है, और वस्तुओं के लिए रोने के लिए नहीं है। और अध्यात्म का सुख जिन्होंने ले लिया वो जिंदगी में कभी सफलता सफलता के बकवास में नहीं पड़ते। जिंदगी की सफलता डिग्रियों में नहीं है, जिंदगी की सफलता पूर्णता में है। और पूर्ण तू स्वयं है, तेरा अपना आपा, तेरा अपना स्व उसमें विराजो। और जब पैर तुम्हारे अपने आप में जम जाएंगे तो तुम आसमान भी छूने की सामर्थ्य ले लोगे, और आसमान पे भी चढ़ जाओगे तो तुम्हारा व्यक्तित्व आतिशबाजी वाला नहीं होगा। कौन चढ़ता है आसमान पे? आतिशबाजी भी तो चढ़ती है ना। चढ़ गई आसमान में, फिर धुआं बनी और लोगों के सिरों पर राख बनकर गिर गई, लेकिन आसमान की तो आनंद बट वृक्ष ने भी लिया। पहले धरती में उतरा, नीचे उतरा, गहरे उतरा, पाताल को छू लिया, उसके बाद आसमान छूया। इसीलिए आतिशबाजी या सोडा वाटर की बोतलों की तरह उछलने की जिंदगी को मैं जिंदगी नहीं मानती। गहरे उतरो, अपने आप ऊंचाइयां मिलेंगी। पहले नीचे उतरो, पहले अपने अंतर में उतरो, फिर उसके बाद व्यवहार की ऊंचाइयां मिलेंगी। पवित्रता के फल खिलेंगे, सत्य की खुशबू फैलेगी, सेवा की सुरभि खिलेगी। और इसके लिए कोई व्यक्ति मोबाइल का मोहताज नहीं होता, किंतु